बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद नरेश मुमताज बेग। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान, नो डाउट। गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम बात करें कि गिलगित बल्तिस्तान तो कुदरती वसाइल से मालामाल है और कोई शक नहीं कि केटू जितने मसाइल का भी गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को सामना है। नाज़रीन, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ इट्स अप टू अस कि हम पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं या नेगेटिव साइड को उजागर करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि जहां हम पॉजिटिव गिलगित बल्तिस्तान की पॉजिटिविटी को उजागर करते हैं, वहीं पर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम जिन मसाइल से दो चार हैं उसको भी हाईलाइट किया जाए और इसके अलावा इन मसाइल का हल क्या है और गिलगित बल्तिस्तान में कौन से ऐसे शख्सियात हैं जो कि अपने लेवल पर, चाहे हम उनको सोशल एक्टिविस्ट का नाम दें, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का नाम दें, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां उजागर कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में रहते हुए जितना वसाइल अपने पास मौजूद हैं उसमें किस कदर अपने गिलगित बल्तिस्तान के लिए, अपने इलाके के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर हम हुकूमतों की बात करें तो हुकूमतों का काम होता है कि आवाम को रिलीफ देना और फंड के हवाले से, दिगर मुराद के हवाले से आवाम को रिलीफ देना उनकी अव्वलीन तरजीहात में होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ बहुत कम दिखाई देता है। आजकल गिलगित बल्तिस्तान की अगर सियासत की बात करें तो किसी और सिंह पर जो है वो गामजन है, एक सियासी खाका जो है वो नामुनासिब से लगता है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल जमात से अभी जो जितने भी गुजरा हैं उनका किसी भी पॉलिटिकल जमात से उस तरह से लिंक अप नहीं हुआ हुआ। हम कह नहीं सकते कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ये क्या मिक्स अचार बना हुआ गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही नाज़रीन, वहाँ के जो सोशल इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आज के मेरे प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम शख्सियत ने आज ज्वाइन किया है और उनका तारुफ करवाती चलूँ कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशली बड़ा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में बजाते खुद जो है वो इन्वॉल्व रहे आवाम के दरमियान और काम किया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, क्या पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा है या नहीं है, इस हवाले से भी जानेंगे। नाज़रीन, ऑल गिलगित बल्तिस्तान मुगल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन है, वानी भी हैं, तो इनसे जानेंगे कि मुगल बरादरी के लिए क्या काम इन्होंने किया है, क्या काम करने जा रहे हैं, ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के सियासी खतोखाल को कैसे देखते हैं, समाजी मामलात को कैसे देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में शुएब मुगल साहब, इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुगल साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि इन दिनों में देख रहा था कि आप बहुत मसरूफ़ थी, बहुत मसरूफ़ थी, आपने मेरे लिए टाइम निकाले, मैं आपका मशहूर हूँ। आज लाइक टू से थैंक्स टू यू कि आपने वेट किया और बड़ा जान एक तामुल का मुजाहरा किया। नौरान मसूफियात जिंदगी का हिस्सा है, चलती रहती है, लेकिन जब बात आती है गिलगित बल्तिस्तान की तो बींग ए डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को हर प्लेटफॉर्म पर उजागर करें। ऐसा ही है मुगल साहब, फरमाइएगा ये जो आपकी मुगल बरादरी तंजीम है तो ये अब क्या कितने सालों से ये बनी हुई है और इसमें आपने ऐसे कितना काम किया है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो इसमें ये मैंने 96 से मैंने शुरू किया था, काफ़ी मैं छोटा था उस वक्त, तो मुझे इस तंजीम को, इस तहरीक को बनाने की, चलाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो गई कि हमने देखा जब हमने होश संभाला था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मशूस थे, तो अब आपको पता है घर में 5 भाई इकट्ठे नहीं रहते हैं, तो हम किसी गियर को कैसे कह सकते कि आप हमारे साथ यूनिटी में रहें, अच्छा रबते में रहें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बरादरी को पुश करूं, तो हमारी मुगल बरादरी है जिसमें तीनों मसलक के लोग हैं। अच्छा, मैंने गियामर विज़िट किया, सिकरदू विज़िट किया, नियाल गीजर विज़िट किया, नजर हंगा विज़िट किया, हर जगह मैंने डोर टू डोर विज़िट किया और वहाँ जाके उनको बरादरी के हवाले से मैंने कन्वेंस की, तो इससे मुझे अच्छे नतज सामने आ गए। और ये जो निशानी जो ट्राइबल ट्राइब हैं, ये जो कौमें हैं, इनका इकट्ठा रहने से जो मसलकी जो हमाहंगी जो है ना वो क्लोज हो जाती है, रिश्तेदारी सामने आ जाती है, बंदे के अंदर एक रिश्ते का, एक खून का, एक क्या कहते हैं, जुनून सामने आ जाता है। तो बहरहाल अब तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने 24 हल्के हैं, 9 जिले हैं जितने हैं, तो मैंने वहाँ पर वर्क की, मेरे पास इस वक्त चुनीशिया इस्माली तीनों मसलक के, अब मेरी कोशिश भी है कि मैं सिकंदरी की तरफ भी मामूल रखूँ। तो अभी ये मुगल साहब आपकी जो तंजीम है जस्ट गिलगित बेस्ड है?
नहीं, जीबी लेवल पर, जीबी लेवल पर है। तो इसमें फिर हमारा गिलगित रीजन आ जाता है, ग्यामर रीजन आ जाता है, बल्तिस्तान रीजन आ जाता है। अगर मैं कैटेगरी इसकी बना लूँ तो मुझे बताएं कि गिलगित रीजन में आपने कितना काम किया, ग्यामर रीजन में क्या काम किया और बल्तिस्तान रीजन में क्या काम किया। जो इस वक्त जो स्ट्रेंथ बन रही है ना पूरी जीबी के अंदर, यूथ मिला के, बच्चे जवान, मतलब फीमेल मिला के कितना भी है, मतलब ख्याल में एक लाख 25 सबों है तेजा जी, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने ये नहीं देखा है कि ये कौन सा लगता है कौन सा लगता नहीं, मैंने हर जगह में जीती है, हर जगह में मैंने बरादरी को प्रमोट किया। गिलगित में सबसे बड़ा काम क्या किया? गिलगित में सबसे बड़ा काम ये हुआ कि मैंने तीनों मसलत को 8000 लोग, फर्स्ट टाइम जब मैंने कन्वेंशन करवाया तो 8000 लोग एक कन्वेंशन में तीनों मसले के उन्होंने शिरकत की। अच्छा, ये नहीं लग रहा था कि यहाँ सुनी बैठा है, शिया बैठा है, इस्लाम बैठा है। बाहर इख्तलाफ थे। ग्यामर रीजन में सबसे बड़ा काम क्या किया? ग्यामर में मैंने तकरीबन मैंने काफ़ी जो केसेस थे दुश्मनिया की, 3-4 केस मैंने सुलह करवाए हैं। अच्छा, कुछ सेक्टेरियन केसेस थे। अच्छा, ये जो सानिया कोस्तान हुआ था वहाँ पर कोई बंदे की कैजुअल्टी हुई थी तो किसी ने गलत नहीं पैदा की थी कि फला बंदे ने इसकी इन्वॉल्वमेंट है उसकी, तो मैंने वो उनकी भी शक दूर करवाई, दोनों फैमिलीज को मिलाया। मेरी जो कोशिश होती है अमूमन मैं दीगर बरादरियों के अंदर भी मैं सुलह सफाई में कोशिश करता हूँ। तो बल्तिस्तान रीजन में बल्तिस्तान रीजन में रुंदू में बहुत बड़ी बरादरी है मेरी, मुगल बरादरी ज़्यादा ही तादाद में है, और वहाँ पर जब भी ग्यामर से कहीं से भी दूसरी सेक्ट का बंदे जाकर वहाँ काम करता है, कोई ऐसा कोई गिलगित के अंदर हालात खराब होते हैं तो बरादरी वालों को मैं कॉल करता हूँ, उनको रिस्क करें तहफ़ दें, अगर बरादरी से हट के भी हो तो मेरी कोशिश होती है कि एक इंसान की जान बचाना, पूरी इंसान की जान बचाना। अब मैंने ये जरूरत नहीं महसूस की कि मेरा नाम उनके अंदर हो, और आपको पता है उन कमेटी, लेकिन आजकल आपने खुद देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान में भी लोग बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं कि भाई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में, इस तरह की कमेटीज में हमारा नाम बताया जाए और हम दिखाएं कि भाई देखें बहुत बड़ी चीज है और हम करने डरने वाले तो हम ही हैं। मैं देखिए ना, मैं वर्क अमल करता हूँ, मतलब जो काम बंदा करता है तो वो देखे, अब कमेटी के अंदर ऐसे बंदे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको अपने मोहल्ले के गली के बच्चे नहीं मानते हैं और उनके लेकिन कमेटी तो अच्छा काम कर रही है। नहीं मतलब वो देखे ना, अब बंदे का अपना जो एरिया है वहाँ पर कितने लोग उसको मानते हैं, उसके पीछे कितने लोग वर्क कर रहे हैं, ये बात किसी ने नहीं देखा है। अब मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मेरा नाम कमेटी में आ जाए, या मेरी शौक भी नहीं है, गवर्नमेंट देखे, अगर मैं गवर्नमेंट का जरूरत हूँ या कमेटी की जरूरत हूँ तो खुद मेरे पीछे आगे मैं क्यों जाऊँ, जबकि मेरे पीछे इतने अपराध वर्क कर रहे हैं, वेलफेयर में वर्क कर रहे हैं, अच्छा एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं, अच्छा अमन के लिए हम वर्क कर रहे हैं, और मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कमेटी में चलूँ। अच्छा मुगल साहब, ये फरमाइएगा कि बीइंग ए सन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? उसका सबसे बड़ा मसला तो अभी सियासत से हट के सामाजिक तौर में बात करें, सियासत भी आते हैं बस वो अब देखिए महंगाई है। अच्छा, यहाँ से जो भी चीज रावलपिंडी से, लाहौर से, कराची से, पूरे मुल्क का मसला बना हुआ है, तो यहाँ से जो चीज परचेस होती है तो वो उस रेट को वहाँ नहीं मिलती है, और दुकानदार जो हजरत हैं वो बहाना किसी गवर्नमेंट का बना के अपनी मनपसंद रेट लगा लेते हैं, कहीं से नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, चलो सही हो गया। अच्छा, सियासत की जानी पड़ती है, सबके इलेक्शन में मैंने पिटाई की सपोर्ट की थी, तो उसके बाद फिर मेरी बरादरी के 300 से अबो मेरे जो कोर कमेटी के लोग हैं उन्होंने मुझे किसी भी पार्टी से जाकर मिलना या काम करने से मुझे रोका हुआ है, क्योंकि वजह यह है कि अभी नेक्स्ट इलेक्शन में मेरी कोर कमेटी खुद डिसीजन लेगी कि हमने किस पार्टी को सपोर्ट करना है और किस लेवल पे हमने सियासी ग्रुप बनाना है और वर्क करना है। अब ये तो मेरा फर्द है, वही डिसीजन नहीं होगी मेरी बरादरी की, ओवरऑल कोई आप लोगों का मंजूर होगा, एजेंडा तो होगा जिसके पर शायद क्या वाले बेहद चेयरमैन में खुद कोई फैसला खुद नहीं कर सकता हूँ मेरी बरादरी की, आप खुद नहीं कर सकते, आपको अंदाजा भी नहीं है कि कमेटी में क्यों ये बात सही होगी और पीटीआई को पहले हमने सपोर्ट किया, उसके अंदर तो 300 से ज्यादा लोग हैं, तो अपने सबका माइंड कैसे पढ़ सकता हूँ, वही लोग अच्छा डिसीजन लेंगे, एक सिरकी राय होगी उसके मुताबिक फिर जो पार्टी की डिसीजन होगी मैं उसके बारे में। कौन सी पार्टी देख रहे हैं जिनको सपोर्ट करना चाहिए वैसे?
अब क्या कह सकते हैं। पूछ रही हूँ वैसे जमाते साहब को दिख रही है ना, पीपल्स पार्टी की सर गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के शाह साहब हैं, परफॉर्मेंस आपको दिख रही होगी। हाजी आप गुलबर खान साहब देखें इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, अब पीटीआई से उनको लिंक नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने 9 मई की मुजम्मत कर दिया। खालिद खुर्शीद साहब की अगर हम बात करें तो वो वैसे भी जो है वो क्या मैं अब उनके लिए अल्फाज का चुनाव करना चाहती हूँ, वैसे ही वो साइड पर हो गई। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं सैनी, क्या देख रहे हैं हाफिज रहमान साहब के आए रोज अलग बयान आते हैं। इसमें एक चीज उस दिन देखें जब खालिद खुर्शीद का दौर था, उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर्स की एक प्लाटून भर्ती की, उसने ये समझ के प्लाटून भर्ती की कि मुश्किल वक्त में ये मेरे बेट होंगे, लेकिन उन्होंने पतली गली पकड़ा। अच्छा फिर जाके अभी ये जो गुलबर साहब है यही भी उन्होंने भी उसके अनक से कदम पे चलना शुरू किया, आइए दोस्त क्वार्टर्स की भर्तियां हो रही है, भर्तियां हो रही है, ये समझ रहे कि हमारा फ्यूचर में ये हमारा बेट बनेंगे, हमारा मतलब पैसे बोर्डर बनेंगे। ये इन चीजों को देख कर ना तो किसी भी पार्टी से जो है ना एकदम दिल नहीं करता है कि मैं जाकर रेफिलेशन ले लूं ना। हफीज और पीपल्स पार्टी ने तो इस कदर कोऑर्डिनेटर्स की भरमार की थी जी, उन्होंने तो अभी जो खिंचतानी चल रही है अंदर की तरफ से हफीज की तरफ से, वो भी चाह रहे हैं कि कोई नून पे आ जाए कोई पीपी पे आ जाए, लेकिन यहाँ आई साहब हैं जो जो उसके दिल में आए वो ले लेते हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट के अंदर जो आई साहब ने जो बंदे लिए हैं उनमें मेरी नज़र में मंशा है जो फ्रेंड का जो वर्क करते हैं अच्छा वर्क करते हैं, साफी नहीं है वो क्या है इस वक्त वो गवर्नमेंट के एक मुलाजिम है क्या कहते हैं कौन खुशी है गवर्नमेंट सर्वेंट है ना इस वक्त, बस जाहिर है अभी वो 1.5 साल 2 साल जो भी इनकम है अच्छा उसके बाद साफी बन जाएंगे। वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो साफी बन रहे हैं या दोबारा नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअल कोई सोच तो होगी ना, आपका एक नजरिया तो होगा और आप समझते होंगे कि भाई इतनी बड़ी आप तंजीम इस वक्त चला रहे हैं और आपका अपना एक पोर्टफोलियो होगा, आप लोगों का एक मंशूर होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं, लोगों को जज करना तो खैर जज तो नहीं किया जा सकता, उनके काम को तो देखा जा सकता है ना। बिल्कुल, अब 2 साल बाद हम क्या कह सकते हैं, एडवांस वो हो सकता है दोबारा सांसद में चले गए, हो सकता है दोबारा पॉलिटिशियन में आ जाए, हम तो नहीं कह सकते। गिलगित बल्तिस्तान में मतलब ये रिवाज आम है। बिल्कुल, ये तो चलता है, हर बंदा गवर्नमेंट की हड्डी मिले तो फिर आप गवर्नमेंट की जो नहीं है वो कसीदे पढ़ना शुरू कर रहे हैं और जब आपका तनियो खत्म हो जाए फिर आप साफी बन के जो नहीं है सही स्क्रोल करें सब दिन। बिल्कुल, बाकी मैंने ज्यादातर बरादरी को इसलिए फोकस किया है आपकी नॉलेज में ज्यादा भी हो जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुगल बरादरी अंग्रेज जब वहाँ पे थे उस वक्त मेरी बरादरी ने वहाँ पे एज माइग्रेशन करके वहाँ पे आ गए तो वहाँ पे उस लेकिन मुगल बरादरी काफी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त अगर देखा जाए गिलगित बल्तिस्तान में उस तरह से है ना। ये असल में इस बात ये थी कि शुरू में ये बरादरी गुमनाम बरादरी थी, इस बरादरी को अंग्रेजों ने दबाने की सैनिक तौर पर मालिक तौर पर दबाने की बहुत कोशिश की, तो वहाँ के जो लोकल सहूलतकार हैं मैं उस उन बरादरी का नाम नहीं लूंगा, आपको समझदार है कि वो आज किन किन के पास कि आज किन किन के पास 200 कनाल जमीनें हैं आज भी, आपको पता है ऐसे गद्दी की जमीन महंगी गरीब की जमीन महंगी, ठीक है आज कौन से लोग हैं जो 200 कनाल जमीनें लेके बैठे हैं, वो लोग उस दौर के अंग्रेजों के सहूलतकार थे, उस दौर के अंग्रेजों के सामने जाकर जी हुजूरी करके उन्होंने जगह दे बटोरी और फिर जाके हमारी बरादरी मुगल बरादरी अंग्रेजों की टक्कर की बरादरी थी, टक्कर की बरादरी थी, उनको दबाया गया माली तौर पे जानी तौर पे। और अच्छा सब अगर यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्ट कर कि ये आपका इशारा जरा थोड़ा सा अपर लेवल पे लेकर आऊँ कि अभी आप मुगल बरादरी और बाकी दीगर जितने हमारे कास्टों की बात कर रहे हैं लेकिन असल अभी बात होनी चाहिए पूरे गिलगित बल्तिस्तान की, भाई आप जमीनों की बात कर रहे हैं कि सर्दू की जमीन महंगी गिलगित की जमीन ठीक है ना, तो जो यहाँ से कब्जा माफी आप लोगों की गिलगित बल्तिस्तान की जमीनें हड़प कर रहे हैं वो नहीं दिखता। हाँ बिल्कुल, वो तो काम तो उसके ऊपर होना चाहिए ना, पहले आप दुश्मन से अपने इलाके को बचाओ फिर अंदर जितनी भी मुश्किलात हैं ये इख्तलाफात होते हैं छोटे छोटे वो तो वैसे भी हल हो जाएंगे। देखिए यहाँ बात बहुत बहुत जबरदस्त बात की आपने, इसमें भी एक लॉजिक है, देखें आप यहाँ से गिलगित के अंदर आकर भारी मकदार में जो जमीनें ले रहे हैं उधर कार्ड चलता है, ठीक है ना, अगर कोई शिया आया है तो अपने एरिया में शिया ने शिया को जमीन दी है, इस्माइली आया इस्माइली ने इस्माइली को जमीन दी है, अगर अहलुसुन्नत आया अहलुसुन्नत ने अहलुसुन्नत को जमीन दी है, ठीक है, अगर कोई किसी दूसरे एरिया में जाकर उसने कोई लैंड परचेस नहीं किया है, ठीक है ना, अभी आप अहमदाबाद की तरफ चले जाए वहाँ कराची के फौजी बैठे हुए हैं भारी मकदार में उन्होंने जमीनें ली, होना क्या चाहिए पाबंदी होना चाहिए और पाबंदी कौन डाले,
हुकूमत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है। वो इतनी, आपको दिक्कत बिल है? नहीं, अभी तो प्लाजे बन चुके हैं, लोगों ने वहाँ क्या करें, इंतजार करें। अभी खुद वो जो सेनेटर साहब है पहले महमूद साहब, उसके बाद भी तो हमला का बना हुआ है, आपको पता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ मतलब कि आप लोग इंतजार में बैठेंगे जब तक तो कोई मसीहा नहीं आता, जब तक तो कोई लीडर नहीं आता, ठीक हो गया। और मैं इतना कहूंगी कि नाजिन, किसी मसीहा और किसी लीडर के इंतजार में मत बैठे, आप खुद अपने अंदर लीडर हैं। अगर आपको अपनी लीडरशिप की क्वालिटी का अंदाजा हो तो लास्ट में सिर्फ एक, और चूंकि अभी मैं कल देख रही थी आप प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आप तस्वीर फरमाए थे वहाँ पर फलक नूर के इशू के ऊपर जो आपको नवाज बंद की, एक मिनट में इसको माइंड अप कीजिएगा जरा, शिरकत की और यूथ ने भी, तो मैं भी उधर गया था। तो देखें उसका जो बयान दिलवाया गया है वीडियो दिलवाया, मुझे ये लगता है क्योंकि वो लड़की की जो जो बोल रही है उसमें कोई तसलसल नहीं है, ग्रुप ग्रुप की बात कर रही है, आप खुद भी चेक कर सकती है इस क्लिप को ना। और फिर जो स्टम्प लिखी गई है वो किसी स्टम्प फरोश से नहीं लिखवाई गई है, वो मेरे ख्याल में किसी आम बंदे ने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारे साफ़ी हैं क्रिकेट बलूचिस्तान के, माशाल्लाह अभी आप भी साफी हैं, तो मैं साफी के खिलाफ बात भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं, नहीं, आप करें आप फिर वो हो जाएगा ना ईमान शाह साहब वाली बात हो जाएगी कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे खिलाफ बुराई भी करनी है, और जब हम यहाँ से उतर जाएंगे तो हम आपके अच्छे खासे चित्रोल करेंगे, आप फरमाएं बिल्कुल। नहीं देखे, वो उसके घर जाते हैं, सखी मदन घर जाते हैं, एक ही बात वो हाईलाइट कर रहे हैं बार बार, ये ईंटे बना रहा है, ये गरीब है। भाई मैं कहता हूँ एक बंदा कार्टन पहन के बड़ी गाड़ी रख के ऊंचे प्लाजे में रख के अगर वो बेजमीर है तो उसकी इज्जत से ज्यादा सखी मजान की इज्जत महंगी है, वो हक लाल कमाता है, वो गरीब नहीं है। इंसान गरीब होता है, इज्जत गरीब थोड़ी होती है, एक पॉइंट। और दूसरी बात, जो भी साथी जाता है उसकी वो माँ से सवाल करता है, उस बेचारी माँ से उसने कोई कमिटमेंट करके थोड़ी चली गई है, ये तो एक हादसा है बाहर आई जैसे भी। तो साफी हजरात अभी तक जाकर मैं देख रहा हूँ एक माइक लेके घूम रहे हैं भाई, उसकी माँ से उसके बाप से सवाल इंटरव्यूज, आप जाएं एसपी साहब के पास जाएं, अब तक इस केस में किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उनको सामने क्यों नहीं लाते हैं? SHO जो हदूद बनता है, बनियोर थाने का हदूद बनता है या नॉर्मल साइड का बनता है, जो भी बनता है, भाई साथी अगर आप SHO से सवाल उठाएं कि भाई अब तक आपकी क्या पेशरफ्त हो गई मुलजमान की तरफ, आप पेशरफ्त हुई या नहीं हुई है? वो बेचारों की उन्होंने जो है ना, मेरे ख्याल में 10 से 12 ऐसे लोग गए हैं, मतलब कि जो असल जगह पे जाना चाहिए था वहाँ गए नहीं, और उसी जगह पे जाके ढिंढोरा पीटा, आप समझते कि ये गलत है, मतलब ये ख्याल रखना। ठीक है शोएब मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत का, और जितनी आज आपने बात की उम्मीद करते हैं कि आप स्पेशली आपके अपने बरादरी को और जो आपकी अपनी कम्युनिटी है जिनको आपने एक पैगाम देना था उन तक पहुंच चुका होगा। नाजिन फलक नूर के हवाले से एज आई हैव रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट कि भाई फलक नूर के इशू के ऊपर बात करें, मैंने इसके इशू के ऊपर पहले भी बात की थी कि भाई लड़की जो है वो, बच्ची जो है वो अगवा हो चुकी है, क्योंकि इनके फादर का ये स्टेटमेंट था, और मेरा वो प्रोग्राम होने के फौरन बाद जो है ये खबर सामने आती है कि भाई बच्ची ने ये इकरार किया है कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़की के साथ भागी गई है और उसने शादी कर ली है, और उसका कहना ये है कि वो कोई 16 साल की बच्ची है। और अब इस मामले पे क्या ही कहा जाए, एक तो ये है कि घर में वालदेन को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और मैं स्पेशली यही कहूंगी कि काइंडली अपनी जो तालीम और तरबियत है ना, अब समझ कर करें। खैर वालदेन को तो कोई सबक नहीं सिखा सकता, क्योंकि पूरे माशरे को वो सबक सिखाते हैं अपने बच्चों की तरबियत, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज तक जो हमारा माशरा जिस राह पे जा रहा है, जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उसके उसूलों को समझना पड़ेगा, बच्चे क्या चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, उनका क्या एम है, वो किस तरीके से जो है वो माँ बाप की बातों को लेते हैं। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि एक टिपिकल तरबियत के ऊपर ना जाए, एटलीस्ट आप माशरे को समझें, आप माशरे की जो चैलेंजेस है उसको समझें। अब इसमें फलक नूर जो है वो गलती पर है, उसके वालिद साहब जो है वो गलती पर है कि बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे थे, उनकी वालदा की गलती है कि भाई उन्होंने अच्छी परवरिश नहीं की, क्योंकि अब जो भी मामलात हों नाजिन जो नहीं है वो उंगली माँ बाप पे उठाई जाती है, उनकी परवरिश पे उठाई जाती है। लेकिन बच्चों को, बच्चियों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए, बल्कि गांठ बांध लेनी चाहिए कि भाई
आप घर में अपने माँ बाप के इज्जत का जनाजा निकाल के जाओगे तो खुशियाँ आपको भी नसीब नहीं होंगी। आप उस खुशी के ऊपर अपने लिए ताजमहल वो डोली आप नहीं सजा पाओगे। ये समझने में मुझे नहीं समझ आती कि कितने कोई मुश्किल अल्फाज है जो कि हमारे बच्चे बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, या ये कोई फारसी की जुबान है या इंग्लिश है, ये कौन सी चाइनीज है कि समझ में नहीं आती और अपनी मनमानी करते हैं और आगे जिलत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो इन एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ल्ड इज पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।